हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होती है प्रेडिकेट में। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कॉन्टेंस टू पार्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी कि हर एक सेंटेंस में दो पार्ट होते ही हैं आपके, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। अभी हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे कि लाइन लिखी हुई, द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, वो आपको कहलाता है सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है कि जिस जो बात हम कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, आगे स्लाइड में हम समझ लेंगे थोड़ा सा और। देखिए, नेक्स्ट है जूडी एंड हर डॉग, यानी किसके बारे में बात हो रही है? जूडी एंड हर डॉग के बारे में। जूडी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, आप सब्जेक्ट पता करने के लिए पहले आप पूरे सेंटेंस में ढूंढिए वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब है आपका रन। ठीक है, तो रन वर्ब है। अब आप एक क्वेश्चन करिए, कौन या हु रन, तो आपको आंसर मिलेगा जूडी एंड हर डॉग रन। और प्रेडिकेट जानने के लिए आप क्वेश्चन करिए व्हाट रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, तो आपको सेंटेंस के जो दो पार्ट है वो मिल जाएंगे। तो इस सेंटेंस में जूडी एंड हर डॉग ये आपका एक सब्जेक्ट है, एंड रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल है वी स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर। अभी आप क्वेश्चन फिर से करिए, वर्ब आइडेंटिफाई करिए, वर्ब आपका क्या है? स्पिल्ड। ठीक है, वर्ब आइडेंटिफाई करिए, वर्ब आपका क्या है? स्पिल्ड। हु स्पिल्ड, आंसर आपको मिलेगा वी, तो यानी कि वी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। व्हाट स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर, तो ये आपका पार्ट जो है वो आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यानी कि हर एक सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कैन यू फाइंड अ सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस बिलो, तीन चार एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई लिटिल ब्रदर ब्रॉक हिज फिंगर। तो यहाँ पे सबसे पहले तरीका, सबसे इजी वर्क यही है कि आप पहले सब्जेक्ट, पहले पे आप वर्ब डिसाइड कर लिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, ब्रोक। ठीक है, हु ब्रोक? माई लिटिल ब्रदर। तो माई लिटिल ब्रदर आपका सब्जेक्ट है। व्हाट? हिज फिंगर। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिकेट है। तो यानी कि हु एंड व्हाट का क्वेश्चन करके हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी कौन है आप लोग देख लीजिएगा, हिज अंकल बॉब आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, दो सोल्जर्स कैरीड गन्स, अवर बेबी सिटर अराइव लेटर। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको रेड ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक बोल्ड दिख रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग आएंगे प्रेडिकेट। कैन यू फाइंड अ प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस बिलो, देखिएगा सेंटेंस है माई लिटिल फिंगर ब्रोक। सबसे पहले ईजी वे यही है, आप पहले आइडेंटिफाई करिए आपका वर्ब क्या। ठीक है, वर्ब के साथ आप क्या का क्वेश्चन करिए, क्या हिज फिंगर। ठीक है, क्या हिज फिंगर, व्हाट आर्क्ड फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। चलिए फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हर एक सेंटेंस में सेंटेंस आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड एक ऐसे एक वर्ड का कलेक्शन जहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब हो एंड कंप्लीट थॉट हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, और जो बात हो रही होती है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद वर्ब के साथ आप हु का क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, एंड व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा प्रेडिकेट। ठीक है, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।